हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, ये हमारे 1983 की इंडियन क्रिकेट टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता है। इस पूरे टीम में प्लेयर्स के अलावा सिर्फ एक एडिशनल सपोर्ट स्टाफ था जिनका नाम था पीआर मान सिंह। ये इकलौते इंसान टीम के कोच भी थे, टीम के मैनेजर भी थे। और अब आप इस फोटो को देखिए, ये भी इंडियन वर्ल्ड कप टीम ही है लेकिन 2023 की। इस फोटो में सारे प्लेयर्स ब्लू जर्सी में है और उससे भी ज्यादा जो ऑरेंज जर्सी में है वो है पूरे टीम की सपोर्ट स्टाफ जिनकी गिनती प्लेयर्स से भी ज्यादा है। वो ही गेम है लेकिन इन दोनों वर्ल्ड कप टीम्स में सपोर्ट स्टाफ की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज किसी भी टीम को इतने ज्यादा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है? और ये सारे सपोर्ट स्टाफ जो अलग अलग तरीके से टीम को मदद करते हैं, असल में क्या रोल निभाते हैं और क्या सच में इतने सारे सपोर्ट स्टाफ की जरूरत भी है? और शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए वो एक ही जरिया है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बना सकूं। चलिए आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। दोस्तों, आजकल हर एक क्रिकेट टीम, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर कोई फ्रेंचाइजी की टीम हो, लगभग 15 से 20 लोगों की सपोर्ट स्टाफ के साथ आगे बढ़ती है। अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स अलग अलग रोल्स निभाते हैं ताकि उनकी टीम बेटर परफॉर्म कर सके। तो चलिए जानते हैं इन सब रोल्स के बारे में और वो कैसे अपनी टीम को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हेड कोच का। एक हेड कोच उसकी टीम के हर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। टीम का सिलेक्शन हुआ, टॉस जीतने के बाद क्या करना है, कैसे फील्ड पोजीशन करना है, अटैकिंग गेम खेलना है, डिफेंसिव गेम खेलना है, इन सब डिसीजंस में कैप्टन के साथ हेड कोच का सबसे ज्यादा रोल होता है। और शायद इन्हीं वजह से एक हेड कोच को टीम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। फिर आते हैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोचेस। आजकल सभी टीम में इन स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए अलग अलग कोचेस को डिप्लॉय किया जाता है। इन्हें आप उस टीम के असिस्टेंट कोच भी बोल सकते हैं और वो स्ट्रिक्टली अपने कैटेगरी में अपने प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हर टीम के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर इनका इंडिविजुअल ध्यान होता है। ये कोचेस हर एक प्लेयर के छोटी छोटी मिस्टेक्स को नोट डाउन करते हैं और उस पर उन प्लेयर्स के साथ वर्क करते हैं, उन प्लेयर्स को उनकी स्किल में इंप्रूव करते हैं। और अक्सर प्लेयर्स अपने सारे गेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन्हीं कोचेस के साथ शेयर करते हैं। रीसेंट वर्ल्ड कप में आपने देखा ही होगा कैसे इंडियन फील्डिंग कोच ने एक नया सिस्टम निकाला। हर एक मैच के खत्म होने के बाद वो एक स्पेशल मेडल देते थे टू द बेस्ट फील्डर ऑफ द टीम, जिसकी वजह से पूरी टीम में एक अमेजिंग स्पिरिट बना रहता था। और इसका फायदा ऑन फील्ड तो हुआ ही, प्लेयर्स के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन साथ ही मेंटली भी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मजा आने लगा, एक चैलेंज जैसा चलने लगा पूरे प्लेयर्स के बीच में। और उन्हें देखकर हम फैंस को भी खूब ज्यादा मजा आता था जब मैच के बाद हम उन वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर देखते थे। नेक्स्ट अप इज द फिजिकल ट्रेनर, द फिटनेस कोच ऑफ द टीम। इनका काम होता है हर एक प्लेयर को मैच फिट रखना ताकि हर एक प्लेयर अपना 100% हर बार मैच में दे सके। एक फिटनेस कोच हर एक प्लेयर को उनका एक्सरसाइज रिजीम देता है, हर एक प्लेयर के प्लेइंग रोल के हिसाब से उन्हें बताता है कि आपको किस मसल पर ज्यादा वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, बोलर्स को लोअर बॉडी और कोर पर ज्यादा काम करना पड़ता है, whereas बैटर्स को अपर बॉडी और कोर पर ज्यादा काम करना पड़ता है। मैच डेज पर कौन सी एक्सरसाइज करनी है, रेस्ट डे जब प्लेयर्स होटल्स में होते हैं तब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इनफैक्ट दो सीरीज के बीच में जब प्लेयर्स घर पे जाते हैं तब भी उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, इन सब के डिटेल्स एक टीम का फिटनेस कोच उन्हें देता है। नेक्स्ट अप इज द फिजियो ऑफ द टीम। दोस्तों, किसी भी टीम का फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है उस टीम के लिए। मैच या फिर प्रैक्टिस के पहले सही तरीके से वार्म अप करना और फिर जब एक मैच या प्रैक्टिस सेशन खत्म हो तो सही ढंग से वार्म डाउन भी यही करवाता है। जब भी किसी प्लेयर की मसल्स अटक जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट काम आता है और ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। हर एक टीम में नहीं लेकिन काफी टीम्स में एक प्रोफेशनल मैसूअर भी होता है, यानी कि ऑफिशियल मसाज वाला, और प्लेयर्स का ये वन ऑफ द फेवरेट मेंबर्स ऑफ द टीम होता है। हर एक प्लेयर को अपना बैक मसाज या फिर फुट मसाज में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और इन मैसूअर्स को प्रॉपरली पता होता है कैसे किसी भी प्लेयर की अटकी हुई मसल को ओपन करे, जिससे कि प्लेयर्स दोबारा खेलने के लिए तुरंत रेडी हो जाए। नेक्स्ट, आजकल हर एक टीम में साइड आर्म थ्रोइंग स्पेशलिस्ट और थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट साथ में चलते हैं। किसी भी मैच के पहले जब टीम की प्रैक्टिस चल रही होती है
तो हर एक बैट्समैन को जितनी बॉल्स आप खिलाना चाहोगे बैट्समैन आराम से खेल लेगा। लेकिन दूसरी ओर बॉलर्स इतने सारे बॉल्स नहीं फेंक सकते हैं। अगर वो नेट्स में इतनी ज्यादा बॉलिंग करेंगे तो वो इंजर हो सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो बॉलर्स को मैच रेडी रखने के लिए मॉडर्न टीम्स उनसे कम बॉलिंग करवाती है प्रैक्टिस में। तो फिर बैट्समैन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यही पर आते साइड आर्म स्पेशलिस्ट और थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट, जो निरंतर लगातार बैट्समैन पर बॉल फेंकते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आजकल टीम्स में योगा इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, जो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। और साथ साथ इन्हीं योगा इंस्ट्रक्टर्स की वजह से आजकल प्लेयर्स को मेडिटेशन भी करवाया जाता है, और अक्सर इसके वजह से टीम्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और फिर आते हैं टीम डॉक्टर। तो जब भी किसी टीम के साथ वो डॉक्टर ट्रैवल करता है तो वो हमेशा अलर्ट रहता है, छोटी मोटी इंजरी हो या बड़ी इंजरी हो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है हर एक प्लेयर को। ये सारे प्रोफेशनल्स मिलके प्लेयर्स को बेटर परफॉर्म करवाती है, बेटर रिकवरी करवाती है, मैच रेडी रखती है। और फिर आते हैं सपोर्ट स्टाफ के वो मेंबर्स जो टीम और प्लेयर्स को बाहर से संभालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम के मीडिया मैनेजर के बारे में। इनका काम होता है प्लेयर्स को कंप्लीट कंट्रोल में रखे। जब भी प्लेयर्स ऑफिशियल ड्यूटी पर हो तो वो मीडिया से क्या बात करे, कैसे बात करे, इस सब का जिम्मा मीडिया मैनेजर का होता है। मैचेस के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मीडिया मैनेजर हमेशा आजू बाजू खड़ा रहता है प्लेयर के, और वो कंट्रोल करता है किस तरीके से प्लेयर बात करता है, आंसर करता है मीडिया को। फिर आता है टीम मैनेजर, जो हर एक वक्त पर टीम के साथ जुड़ा रहता है, एयरपोर्ट से लेके बस में, बस से लेके होटल में, होटल से लेके स्टेडियम में, और स्टेडियम से दोबारा होटल में। अगर किसी भी प्लेयर को अपने दोस्तों के साथ मिलना हो या फिर होटल से बाहर जाना हो तो उसे टीम मैनेजर की परमिशन लेनी होती है, और टीम मैनेजर के पास पूरी पावर होती है कि वो किसी भी प्लेयर को मना कर सकता है। नेक्स्ट अप इज द टीम एनालिस्ट। आपने काफी मैचेस में देखा होगा कि पेविलियन में एक बंदा लैपटॉप के साथ बैठा रहता है, वो ऑन फील्ड होने वाली हर एक एक्टिविटी को अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड करता है, उसके नोट्स बनाता है, और हर एक मैच के खत्म होने के बाद इन्हीं नोट्स के बेसिस पर पूरे मैच की एनालिसिस बनती है। मैच में क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ, किन एरियाज पर ज्यादा वर्क करना चाहिए, इन सब का डिस्कशन इस एनालिसिस के ऊपर बेस होता है, और इस एनालिसिस को बखूबी निभाते हैं टीम एनालिस्ट। फिर आता है मैनेजर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड क्रिकेट ऑपरेशन। प्लेयर्स को टाइम पर उनका किट पहुंचाना, उनका सामान पहुंचाना, उनकी हर एक जरूरत को पूरी करना। मान लीजिए किसी प्लेयर का बैट टूट गया और उसे रिपेयर चाहिए, या किसी बॉलर को कोई पर्टिकुलर सामान चाहिए, तो इन सब चीजों को अरेंज करने में ये लॉजिस्टिक्स मैनेजर काम आता है। तो दोस्तों लार्जली ये सारे वो प्रोफेशनल्स हैं जो किसी भी क्रिकेट टीम को असिस्ट करते हैं, ताकि प्लेयर्स अपना पूरा ध्यान सिर्फ मैच पर और अपनी परफॉर्मेंस पर रखें। और इन सारे प्रोफेशनल्स को अरेंज करने का काम होता है किसी भी क्रिकेट बोर्ड या फिर किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर का। तो चलिए जानते हैं कि आज के जमाने में इतने बड़े सपोर्ट स्टाफ की जरूरत क्यों ज्यादा बढ़ गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर दैट इज इतना ज्यादा क्रिकेट आजकल खेला जाता है, और वो भी हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है तो नेचुरली हर एक प्लेयर हमेशा अपने बेस्ट पर नहीं रहता, काफी बार इंजर हो सकता है, खूब सारा ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, और कई ऐसे छोटी मोटी चैलेंजेस है जिसे फेस करने के लिए एक प्लेयर को अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। और फिर आजकल इतना कम्पिटिटिव क्रिकेट के वजह से हर एक प्लेयर का स्किल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल के प्लेयर्स पिछले जमाने के प्लेयर से बहुत ज्यादा स्किलफुल है, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, और ये सारा सपोर्ट स्टाफ हर एक प्लेयर को उनके स्किल्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि वो हर एक मैच में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। और हम सबको तो पता ही है आजकल का जमाना कितना ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है, एक से बढ़कर एक प्लेयर हर रोज मैदान में उतरता है, और फिर सोशल मीडिया तो है ही जिससे प्लेयर्स को ज्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। ऑफ कोर्स हम में से काफी फैंस को तो मजा आता है इन प्लेयर्स को ट्रोल करने के लिए, लेकिन इस सब ट्रोलिंग का सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्लेयर के दिमाग पर। और बिल्कुल हमारे जैसे ये प्लेयर्स भी इंसान है, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन इनको भी खाता है, और इन्हीं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए सपोर्ट स्टाफ काम आता है। और इनमें दोस्तों सबसे जरूरी रीजन है कि आजकल हर एक छोटी बड़ी निश के लिए एक प्रोफेशनल मौजूद है, और गेम में इतना ज्यादा पैसा बढ़ गया है कि इन प्रोफेशनल्स को कोई भी टीम आराम से हायर कर सकती है, क्योंकि अंत में प्लेयर्स है तो गेम है, और प्लेयर्स की पूरी मदद ये सपोर्ट स्टाफ करते हैं। इनफैक्ट अपने प्लेइंग करियर में कोई भी प्लेयर अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ ज्यादा टाइम बिताता है एज कम्पेयर टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स, और यही वो सपोर्ट स्टाफ है, वो अनसंग हीरोज है, जिसके वजह से हमारे फेवरेट प्लेयर्स इतना धमाकेदार क्रिकेट रेगुलरली खेलते हैं,
जिसे देखकर मैं और आप इतने ज्यादा इंस्पायर होते हर एक बार। तो आई वुड लाइक टू गिव अ बिग सल्यूट टू ऑल द सपोर्ट स्टाफ ऑफ एवरी क्रिकेट टीम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं मैं अगले हफ्ते एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। अंटिल देन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे पहले कर दीजिए। दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।